हमके बहुत डर लगा था, बस कैसे एक बार घरे आ जा चल तू, प्लीज घरे आ जा। देखा यार पूनम बटे है, अगर तू मजाक कर तो कवन आया तो हम तो मजाक को सोएगा दिन तैयार बनी, कुछ कर दिया हमके, मार दिया यहाँ के कुछ कर दिया, लेकिन तू घरे चली आवा। भैया भाभी से जो गलती हुई हो माफ कर दी है, अब घरे आ जावा, हम तरह खातिर बढ़िया चाय बनेगी बानी, आ जावा, इतना ही पुता हम खुदे चल जाए अपने घर, हम ना रानी हो अगर ना ही पुता। देखिए आप उसको अपना सिस्टर मानते हैं, वो भी हमारे साथ साथ परेशान हो रही है, रो रही है। और देखिए ये रिया खाना इसको सुबह से नहीं खाई थी, इसको दवा खाना है, इसको बुखार बहुत तेज है, आपको तो पता ही है बुखार इसको है, स्कूल में दौड़ भाग कर रही है, खेल चल रहा है स्कूल में, तो आप तो जानते ही हो कि इसका तबीयत खराब है, और सुबह से खाना नहीं खाई थी, इसको किसी तरह से सुबह दवा खिलाए हैं, अब इतनी टाइम दवा खिला के इसको अपने पास सुलाएंगे, प्लीज जाना जाओ घर, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके बिना अधूरे है, आप ऐसा नहीं करो मेरे साथ ना यार। रात हो गया, जैसे जैसे रात हो रहा है ना वैसे वैसे बहुत डर लग रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार, अगर हमसे कुछ गलती हुआ था तो हम मार लेते हैं, हमें गाली दे लेते हैं, कुछ भी कर लेते, मोबाइल भी नहीं लेके गए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको थोड़ा भी दया नहीं आ रहा मेरे ऊपर, कितना दुख झेले है, कितना सांसों झेले है, आज सुख का दिन आया तो आप मुझसे अपना हाथ छुड़ा के चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो कभी नहीं सोचे थे कि आप इस तरह हमको हमसे मुंह मोड़ करके चले जाएंगे, हम तो कभी नहीं सोचे थे, कभी जुदा होने के लिए सपने में भी नहीं सोचते हैं। फिर आप ऐसे कैसे भी सुबह से रात हो गया, आप कैसे रह ले रहे हो, मैं ही नहीं समझ पा रहे, हम मान गए हार, कुछ भी हमसे गलती हुआ तो माफ कर दीजिए, आके हमको मार लीजिए, गाली दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आ जाइए घर पे, आप कहेंगे तो हम खुद चले जाएंगे आपके घर से, लेकिन आप मेरी वजह से उनके बच्चों का पापा छिन जाए अच्छा नहीं लगता है ना जान, बच्चे नहीं रह पाएंगे मेरे बिना, रह जाएंगे लेकिन आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप जानते हैं कि लोग जब गलतियां करते हैं तो हम ही इन लोगों को मारते हैं, आप नहीं मारते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग आप बहुत इन बच्चों से प्यार करते हैं, प्लीज जाना चाहिए प्लीज, बहुत डर लग रहा है, धक 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 करने जा कर रहा है मेरा, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, दिन तो किसी तरह से कट गया है इधर उधर इनसे बात करके, उनसे बात। भैया आप जहाँ कहीं भी हो तो घर चले जाओ। फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के पता कर लिए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो गोरखपुर के हैं, एक ब्लॉगर हैं गोरखपुरिया बहुत ही, और जिनका नाम है रिंकी राय, उनके पति देव ने कहीं चले गए हैं, और छोटी छोटी बातों पे होती रहती है, हर फैमिली में होता है। और मेरा नाम है सविता और मेरे चैनल का नाम है सविता देवी ब्लॉग्स, तो मैं उन अपने पूरे फैमिली से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कहीं भी देख रहे हैं भैया को तो ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, उनको मैसेज कर दें एक छोटी सी, अगर आप इस यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टा पे वो तीनों जगह पे अवेलेबल है, उनको कहीं भी आप बता देंगे तो वो परेशान नहीं होंगी, उनके घर में तीन लड़कियाँ हैं, तीनों रोए जा रही हैं और भाभी भी बहुत रो रही हैं, मेरा भी थोड़ा सा गला बैठा बैठा सा आता होगा, देख रहे होंगे, ऐसे किसी को रोते हुए लगते हुए देख के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उनको बता दें, और उनके घर में बहुत बड़ा इशू हो गया है कि वो कुछ हो गया होगा, छोटी मोटी झगड़ा तो हर घर में होती रहती है, लेकिन इस छोटी सी झगड़ा के लिए अगर हम घर छोड़ के कहीं चले जाएँ तो ये अच्छा बात नहीं होता। फ्रेंड्स ऐसे नहीं करना चाहिए, चाहे कोई जेंट्स हो कहे चाहे लेडीज हो, लेडीज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जेंट्स को भी ऐसा नहीं करना, खैर मैं मानती हूँ कि दोनों थोड़ी सी लोग जो करते रहते हैं, क्या पता क्या हो गया, अंदर की बातें तो मैं जान नहीं सकती, लेकिन मैंने सुबह जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट की अपना मोबाइल उठाई तो देखी ब्लॉग के साथ में गोरखपुरिया बहुत जी के मेन फ्रंट पर ही उनका वीडियो आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि मैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड अपने जो फैमिली है हमारे यूट्यूब परिवार है उनके साथ में अपना वीडियो शेयर करूँ और उनसे कहूँ कि अगर वो देख रहे हैं कहीं भी तो एक छोटा सा मैसेज कर दें, तो हम सबके भी पास अगर मैसेज आ रहा है तो हम भी उनके पास बता देंगे, और आप लोगों के पास अगर कहीं भी दिख रहे हैं मार्केट बाजार में तो आप लोग जरूर उनके पास मैसेज करें। तो चलिए मैं उनको दिखा दे रही हूँ कैसे रो रही हैं, बहुत परेशान हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी का हेल्प कर सकते हैं और हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं होती, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे रो रही हैं वो, आप लोग हमारे पास भी मैसेज कर सकते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, और भाभी के भी पास आप मैसेज कर सकते हैं, हम सब देखते हैं उनका वीडियो, उनका ब्लॉग वीडियो भी है और वो गाना वाला भी वीडियो बनाती हैं, तो मैं देखती हूँ आप लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं।